राम राम जी सारा ने, कैसे हो आप सब। तो आज मैं उठी लेट क्योंकि मेरी थी तबीयत थोड़ी सी ढीली। अब करते हैं शुरू व्लॉग। टाइम हो गया, 10 बज गए हैं। बच्चे चले गए स्कूल, डॉक्टर साहब चले गए ड्यूटी। आज लेट व्लॉग शुरू कर रहे हैं, तो अब बनाएंगे कुछ नया और देखते हैं घर में क्या क्या हो रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं बाहर क्या क्या हो रहा है। ये देखो वार्तालाप चल रही भाई, ठंडी के ब्याह की बतड़ा हो रहा है। कुछ काम की बात नहीं, भाईचारे की बात है। कड़िया भाईचारे की बात चल रही, बता क्या चल रहा है। मेरा चावल नमकीन चावल बनाने की तैयारी चल रही है। तनी सरसों को तने राम राम नहीं करनी होंगी किसी का। वीडियो में ही लेगी के बना पूजा। नमकीन चावल बनाएंगे आज हम तनीशर के स्कूल में से आने से पहले। उसके लिए मैंने काट लिए है प्याज टमाटर गोभी और उधर मटर निकाल के रख दिया है। आज बिलम्बा से मिलने आए हैं माँ से, दादी और भैया। तो मैंने उनके लिए चाय और भुजिया और बिस्किट रेडी कर दिए हैं, मैं उन्हें देने जा रही हूँ। तो मैं अभी बना रही हूँ केले का जूस। केला हमारा अच्छे से पिस गया है, देख सकते हो। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे दूध। दूध हमने गाय का लिया है। हमारा केले का जूस बनके तैयार हो गया है, अब हम इसे सर्व करेंगे। और ये हमने केले का जूस डाल लिया है, अब हम इसे देने जाएंगे। मैंने आपको बताया था आज बिलम्बा से दादी और मम्मा से मिलने आए हैं, उनसे मिलवाते हैं। तो आज मारू नहीं दवाई फुहारा, सारे पौधे बेचारे मुरझाए मुरझाए से लग रहे हैं। आज गर्मी भी देखो बाहर कितना काम है, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो इन्ना बड़ो ये रखेंगे इतने, ये इन्हें लागे जाएगी बेचारे ने, बारिश आ रही है थोड़े से ये भी जी जाएंगे। नुपुर हमारे तो ये जो गंदे हो रहे हैं वे भी साफ हो गया है और इन्हें पानी भी मिल गया है, सही हो गया है। ये बिल्कुल इनका रेत जम जा वो भी साफ हो गया है। देखो अरे अरे नए निकले हैं पौधे। इन्हें मैं मान लिया फिर जिस तरह बारिश आ गई हो, ये हैवी बारिश का पानी। ये बच्चे ऊपर नीचे जाते जाते तोड़ जाए हैं, सूखन लग गया बेचारा। सारा भुल भी गया, पानी भी मिल गया। देखो
देखो नए नए निकले हैं, छोटे छोटे नए पत्ते आ गए। ज्यादा पानी डालना है तो ये गल जा है, इसलिए फुहारा मार के इनमें थोड़ा सा सही। देखो गल गया। गर्मी माने गया बेचारा। ये तो मेरे ख्याल से जाती गड़ा है, देखो इसमें चूही तो नहीं है, अगर चूही हो तो इसका की करे। कुछ गड़बड़ से इस तरह पानी दिए तो फिर इनका जो अड़ो है वो भी दूजा है, अड़ भी नहीं लगता इनको। आज तब तक ऊपर घूमे हमें, ये पूजा ने कपड़े सुखा दिए वाइट वाइट सारे डॉक्टर साहब के। आज तो बहुत दुख है कि तेरे बाहर निकलने का मन नहीं। जो तोड़े है किसी ने ना देख अलग टूट रहे हैं ना, तो नहीं उठाओ ऊपर। अब दो चार पौधे और मंगवाऊंगी। एक तुलसा सूख गई हमारी, तुलसी मंगानी पड़ेगी, एक और मंगवाऊंगी। तो मां खान लग रही है भाई दाल और चावल, साथ में ले रखा है मीठा। कैसे लग रहे हैं आपको दाल चावल, टेस्टी हैं? आप भी खा लो सारे जने दाल चावल। मम्मी माँ मेरे पापा के मेरे कुर्ते पजामे उठा लिया है ये सिटी टेलर के, तो तनीष ठाक लाया वे कपड़े, इसके पापा के, इसके और एक इशार वाले के,
सारे कपड़े चिन्नू के उठा लाया। क्या इसके जन्मदिन की तैयारी कर रहा है वो? ये पहले तनीष के देख लो। ये इसका कुर्ता एक, कुर्ता इसने यू सिलवाया है। बहुत सफाई है इनके हाथ में। बंद कर लिया। एक कुर्ता यो लेकर आया है, इसकी पसंद के कलर सिलवाए। पहले सारे वाइट वाइट पह रहे इसने, इसने मैचिंग बना ली। छोरिया वर्गी कमर का देखियो, पतली कमरिया, देखो कितनी सफाई से सिल रखी। ये इसका पजामा, ये इसके पापा के दो कुर्ते पजामे, ये पजामे हैं दो। ये दो कुर्ते हैं, पापा बेटा कुर्ते के शौकीन हो रहे हैं। और ये हैं मन देख, ये है चिन्नू के, चिन्नू के अपनी पसंद के सामान आया था वो। ये चिन्नू की ड्रेस है, सही तनीष मारा ट्राई अपनी ड्रेस की। पछे न जा इतने नीचे, फिर लंबा को नहीं होगा, कुछ दिन में छोटे हो जाए हैं वो वाइट। सही, एक नंबर का। कितना कितना नीचा को ना, थोड़े से दिन में हो जाएगा ये ऊंचा, देखिए कितना नीचा। सही है, मस्त लग गए हैं। जुत्ती लिया इसके नीचे ना, लोफर पैर लिए, लोफर ले दे इबे पहरेगा। हां एक बार पहर के ट्राई मारना, एक बार लुक दे दो अपना अपना पूरा। अच्छा तो पूरा लुक देगा आपने, पीछे हो जा वो ले आगे लाल तुझी मोसिया। हां लिया एक बार मेरे जूते, लोफर ले दे, ले मस्त लग गया है। सही मगर ना नीचा नहीं हो रहे। अरे थोड़े से दिन में तू पता भी तो गा और नीचा को ना करती। बस शीशम देखा हूं दोस्तों, पहला लुक देखा है बताओ भाई की तो यो खराब लग गए हैं। एक बार और पर देख लियो ऑरेंज वाला, पीछे ना जाओ रे इसकी जाओ नहीं दे। हां सही है, मगर ना सूट पर का लग गए हैं, कटवा ले फिर वो जमा बुरशिट पर का लगेगा थोड़ा भी तो। ना बेटा जमा है सही, हाइट भी तो लिख रहे ना बेटा। हाँ यो भी सही लग रहे हैं। तो दोस्त तैयारी मेरी दूसरी ट्राई, सीधा तो जा, ये बाजू बंद ना कर रहे हैं। सही है शिशु में देखा। राइट सेक्टरा सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फ्लोइंग विच साइन ग्लास बाउल्स प्लास्टिक टॉय स्टील स्पून ग्लास बाउल स्टील स्पून लिस्ट ऑल आइटम नो यू Do you that float on water? Check and see if they will float on an oil or kerosene. Float dry leaves, paper, and dry leaf paper. Float on water, oil and kerosene. Study when you are the names of some object and material. Tanishki chal rahi hai party. पेस्ट्री खावा है,
घूमन जाना है रेस मारन। कैसी लगी पेस्ट्री? बढ़िया है। यो लिया कुर्ते पजामे की खुशी में पेस्ट्री। कुर्ता पजामा सिला के लिया है, अपनी पेस्ट्री लिया है। आज हम बना रहे हैं कड़ी और इसमें लस्सी ले ली है, बेसन मिला लिया है 4 चम्मच और ये खड़े मसाले, थोड़ी सी मेथी, राई दाना, 2 काली मिर्च, जीरा और तेज़पत्ता। इसका तड़का हम पहले लगाएंगे। छोटे छोटे हमने प्याज काट लिए हैं और ये हींग है, ये लहसुन और सारे बेसिक मसाले। उसके बाद डालेंगे हम कसूरी मेथी। हमने चढ़ा दिया है इसमें तेल, सरसों का तेल है, तेल गर्म होने लगा है। अब डाल लेंगे सारे खड़े मसाले। मसाले अच्छे से चटक गए हैं, अब डाल दिए प्याज। प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब तक हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन होते हैं हम मसाले बना लेंगे इसके। ये है गरम मसाला, ये कुटा हुआ धनिया और ये हमारी हल्दी और लाल मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। हींग हमने पहले ही डाल ली, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ताकि मसाले जले ना। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब डाल लेंगे इसमें जो हमने मसाला तैयार किया है वो। पहले थोड़ा सा मसाला पका लेंगे हाई फ्लेम पे। मसाले पकने शुरू हो गए हैं, अच्छे से कलर भी आ गया हमारे मसालों में। अब जो घोल हमने बना के तैयार किया है वो इसमें डाल देंगे और ये घोल और लस्सी डालने के बाद इसको छोड़े ना, चलाते रहें। एक गिलास इसमें पानी डाल लिया है। जब तक कढ़ी में उबाल ना आ जाए इसको हिलाते रहें, नहीं तो फटने का डर है। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो ये फट जाएगी और इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। हमारी कढ़ी में उबाल आ गया है अच्छे से। और अब डाल देंगे इसमें कसूरी मेथी और लहसुन। अब इसको हिलाते रहेंगे। पूजा काटे हैं मिर्च
आज नए तरीके से मिर्च बनाऊंगी। काट ली है इसने, वहां बन रही है हमारी कड़ी और बनते हो गए तैयार बिल्कुल। देखो आज बनाओ हम मिर्च काट के और एक नई रेसिपी जिसमें नींबू पड़ेंगे, ये मसाले और बहुत सारा लहसुन कूट लिया है, इसने तेल में छोक लेंगे। पहले ले लिया हमने काला नमक, अब थोड़ा सा सफेद नमक, जीरा हम डाल लेंगे। मिर्च बनाने के लिए थोड़ा सा ले लिया हमने तेल, ये छोटी चम्मच है, तेल को गरम कर लेंगे पहले। तेल हमारा गर्म होने लग गया है, अब इसमें डाल लेंगे अजवाइन और राई। थोड़ा सा जीरा, चटकने के लिए छोड़ देंगे। जीरा राई हमारे अच्छे से चटक गए हैं, अब डाल लेंगे इसमें मिर्च। मिर्च हमारी कम तीखी है, आपका मन करेगा आप ज़्यादा तीखी दे सकते हो। अब डाल लिया है हमने लहसुन, इसमें सीख दिया भाई जानते हैं। स्लो फ्लेम कर दिया है, अब इसमें डाल देंगे काला नमक, सफ़ेद नमक और हल्दी। मिर्च बस एक मिनट और हम इस पर रखेंगे, बन के तैयार है हमारी। जब घर में कोई सब्जी ना हो तो भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो, बहुत टेस्टी है। अब इसमें मिला लेंगे हम नींबू, खाना बन के हमारा रेडी हो गया है। ये मेरी सूखी रोटी, घी मैंने नहीं खाना होता, ये कड्डी बन गए तैयार, और ये जो हमने मिर्च बनाई है वो एकदम मस्त, बहुत टेस्टी खट्टी। आ जाओ खा लो आप भी सभी। इसी के साथ मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट सभी को।